हाय गाइस, आई एम श्रावणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबोनी। आज हम लोग जा रहे हैं नूसा पेनिडा आइलैंड। आप लोग अगर चाहें तो वहां पे वन नाइट या फिर टू नाइट्स के लिए स्टे भी कर सकते हैं, बट हम लोग डे टूर के लिए जा रहे हैं आज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वन डे टूर में आप लोग कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं नूसा पेनिडा में। अभी हम लोग पोर्ट पे पहुंच भी गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से आप लोगों को नूसा पेनिडा के लिए बोट्स मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक बहुत सारे बोट्स यहाँ से डिफरेंट आइलैंड्स के लिए रवाना होता है एंड दूसरे पोर्ट से भी जाते हैं। बहुत सारे एजेंसीज है यहाँ पे, आप लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हैं। एक दिन पहले ही बुक कीजिए, क्योंकि अगर वन डे टूर के लिए आप लोग जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाना ही बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं नूसा पेनिडा फोर आइलैंड टूर में। एंड ये बहुत ही दूर है, ये अलग आइलैंड है टोटली कूटा और उबुद से। तो इसीलिए आज हम लोग जल्दी सुबह उठ के अबाउट 6:30-6:45 AM को होटल से निकल के अभी हार्बर पहुँचे हैं। ये पीछे ही ये हार्बर है, यहाँ पे बहुत सारे बोट्स हैं। तो ऑलरेडी हमने टिकट कलेक्ट कर लिया है, यहाँ से 8 बजे ये बोट रवाना होगी एंड इट विल रीच बाई नेक्स्ट 30-45 मिनट्स टू नूसा पेनिडा। वहाँ पे जाके हम लोगों का एक दूसरा ड्राइवर होगा जो कि हम लोगों का पूरा दिन नूसा पेनिडा में जो टूर है वो कंडक्ट करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 8 AM एंड दी बोट विल राइट नाउ बी स्टार्टिंग विद द बोर्डिंग प्रोसेस। सो लेट्स गो। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नूसा पेनिडा आइलैंड पे एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वेदर कितना अच्छा है। एंड इस साइड पे हमारा बोट है, तो अभी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑलरेडी कार बुक करके रखा है आज डे टूर के लिए, ड्राइवर भी आ गए होंगे। तो लेट्स गो। पानी का कलर देखिए गाइस, पूरा ब्लू है एंड इतना साफ है कि हम लोगों को यहीं से फिशेस भी दिख रहे हैं एंड ये नज़ारा तो खूबसूरत है ही। हम लोगों ने जो स्पीड बोट बुक किया था उसका स्टार्टिंग पॉइंट था सेरेंगन पियर पोर्ट टू नूसा पेनिडा। डिपर्चर टाइम 8 AM, अराइवल टाइम 8:45 AM, चार्जेस 590 रुपीज पर हेड। हम लोगों का प्लान था 6:30 AM का जो बोट है वो पकड़ने का, बट हम लोगों को टिकट नहीं मिला था एंड 8 AM का टिकट मिला तो हम लोग आ गए। बट 8 AM का जो बोट था वो लेट हुआ है एंड लेट करके यहाँ पे हम लोग 9:30 को ही पहुँचे हैं। तो आप लोग अगर वन डे टूर के लिए आ रहे हैं नूसा पेनिडा में तो कोशिश कीजिए जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके बोट पकड़ के यहाँ पर पहुँचने का। नज़ारा यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। सो इसी खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम लोग हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे जो कि है क्रिस्टल बे। हम लोगों को वहाँ पे पहुँचने में 1 आवर लगेगा। कार बुक करने के लिए आप लोग यहाँ पे आके पोर्ट से भी कार बुक कर सकते हैं साइट सीन के लिए, या फिर टू व्हीलर्स भी बुक कर सकते हैं, या फिर बाली में आप लोग कूटा सेमिनाइक जहाँ पे भी होटल में स्टे कर रहे होंगे वहाँ पे रिसेप्शन पे बात करने पर भी वो लोग अरेंज कर देते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स भी हैं, वहाँ से भी आप लोग बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं क्रिस्टल बे बीच पे, तो चलिए चलते हैं एंड आप लोगों को मैं ये जगह दिखाती हूँ।
क्रिस्टल बे घूमने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है ब्रोकन बे एंड एंजल बिलाबोंग। कार पार्किंग एरिया से आप लोगों को चल के जाना पड़ेगा। थोड़ी देर चल के आने के बाद यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है, राइट साइड पे है एंजल बिलाबोंग एंड लेफ्ट साइड पे ब्रोकन बे। तो चलिए पहले एंजल बिलाबोंग पे हम लोग चलते हैं। क्रिस्टल बे से यहाँ पे पहुँचने में हम लोगों को करीबन 20 to 30 minutes लग गया है। कहीं कहीं पे रास्ता थोड़ा रफ है, सो आप लोग अगर टू व्हीलर से आ रहे हैं तो थोड़ा संभाल के चलिएगा। देख सकते हैं ये एक नेचुरल पूल है जिसको एंजल बिलाबोंग कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग स्विमिंग कर सकते हैं, बट हाई टाइड्स के टाइम अगर स्विमिंग ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वेव्स बिल्कुल अंदर तक आ जाते हैं एंड वो थोड़ा खतरनाक होता है। यहाँ पे आने के लिए कोई एंट्री चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है, सिर्फ पार्किंग के लिए चार्जेस लगता है। अभी हम लोग एंजल बिलाबोंग से ब्रोकन बे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 10 मिनट्स का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। ब्रोकन बे जाने के लिए भी यहाँ पे कोई अलग से एंट्री चार्जेस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी है, आप लोग अगर चाहे यहाँ पे लंच भी कर सकते हैं, चार्जेस भी रिजनेबल है। यहाँ पे हम लोगों ने नारियल पानी पिया है, बट नारियल पानी थोड़ा कॉस्टली है। नारियल का साइज़ भी बहुत ही बड़ा था, अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। इंडियन रुपीज़ में उसका चार्ज लिया था उन्होंने 120 rupees वन नारियल का। मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो ही रखा है ताकि आप लोगों को भी रास्ता कैसा है पता चले। बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़े छोटे छोटे शॉप्स है या फिर रेस्टोरेंट्स है। तो अभी हम लोग पहुँच भी गए हैं ब्रोकन बे के सामने, सो चलिए व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ये पोर्शन थोड़ा टूट गया है एंड ऊपर एक ब्रिज फॉर्म हो गया है, जिस वजह से इसको ब्रोकन बे कहा जाता है। यहाँ पे सब लोग ही ऊपर से ही इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, नीचे जाने का रास्ता नहीं है। एंड पत्थर पे जब वेव्स आके टकरा रहे हैं देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप लोग चाहे तो इस जगह के चारों तरफ आप लोग घूम के आ सकते हैं, ये ब्रिज के ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन केलिंकिंग बीच। पार्किंग एरिया से हम लोगों को 10 मिनट्स चल के जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ का टेम्परेचर भी कूटा या फिर उबुद से बहुत ज़्यादा है एंड ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है यहाँ पे। सो आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो हैट, सनग्लास, सनस्क्रीन, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला ये सब कैरी कीजिए। अगर बीच पे जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी कैरी कीजिए। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स हर जगह पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, सो यहाँ पे भी आप लोग खाना खा सकते हैं इस व्यू को एंजॉय करते हुए।
आप लोग अगर केलिंगकिंग बीच तक जाना चाहते हैं तो फिर वन नाइट स्टे कीजिए नूसा पेनिडा में एंड ये ट्रेक कीजिए। अगर डे टूर पे आ रहे हैं तो ट्रेक मत कीजिए क्योंकि बाकी सारे स्पॉट्स मिस हो जाएगा। फाइनली द बेस्ट व्यू। केलिंगकिंग बीच घूमने के बाद हम लोग पोर्ट पे वापस लौट आए थे एंड 4 बजे को हमारा बोट स्टार्ट हुआ। बीच समुंदर में आते ही यहाँ पे हाई टाइड्स चालू हो गया है। आप पानी देख सकते हैं कितना ऊपर नीचे हो रहा है। सच में ये बहुत ही स्केरी मोमेंट था हम सब लोगों के लिए। बोट में जितने भी लोग थे सब लोग डरे हुए थे एंड कोई कोई तो वॉमिटिंग कर रहा था, किसी को चक्कर आ रहे थे। मतलब हॉरिबल सिचुएशन था उस टाइम पे। बीच में तो गार्ड्स आके हम लोगों को लाइफ जैकेट देके गए कि आप लोग ये पहन के बैठिए। बीच बीच में बोट कहीं पे स्टॉप कर रहे थे, कभी चालू कर रहे थे। बीच में एक बार तो एसी में से पानी आ गया। इतना ऊपर वेव्स थे कि ऊपर से पानी नीचे हम लोगों के ऊपर गिर रहा था। कभी कभी तो बोट इतना ज़्यादा हिल रहा था हम लोगों को लग रहा है कि ये कभी भी पलट सकता है। एंड हम लोग अभी पूरा बीच समुंदर में थे, कोई अगर हम लोगों को रेस्क्यू करने भी आएगा तो उसमें 20 to 25 मिनट्स तो लग ही जाएगा। मतलब बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन था। हम लोग जब बाली गए थे August 2023 में, उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इंडोनेशिया में अर्थक्वेक्स भी हो रहे थे, जिस वजह से ये थोड़ा वेव्स ज़्यादा ही था उस टाइम पे। वहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ा अर्थक्वेक भी फेस किया है, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, हमारे जो बोट ड्राइवर थे वो बहुत ही अच्छा चला रहे थे एंड हम सबको सेफली पोर्ट तक उन्होंने पहुँचा दिया था। हैट्स ऑफ टू देम। फाइनली हम लोग पोर्ट तक पहुंच गए हैं एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट करके आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना भी मत भूलिए। बाय गाइज़।